पास ढेर सारी ब्लेसिंग के साथ फिर से उपस्थित हुई हूँ आपके लिए 2024 की रीडिंग लेकर, जिसे आप अपनी मून या सन साइन दोनों साइन से देख सकते हैं। आप अर्थ साइन में आते हैं, पृथ्वी तत्व की राशि है ये, 12 राशियों में से दूसरे नंबर की राशि वृषभ। ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, आप इसे किसी भी समय पर देख सकते हैं। पॉजिटिव वाइब्स रखते हुए इस रीडिंग को आप वॉच करें। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। द मून का कार्ड, थ्री ऑफ पेंट्स, सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड, ओके। क्वीन ऑफ पेंट्स, फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंट्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के, और बॉटम कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। अच्छा, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। इस साल आप सेल्फ लव से भरे होंगे। सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है, किसी प्रिय से मिलने की इच्छा पूरी होगी, वेलकम होगा रिलेशन में, न्यू बिगनिंग, ड्रीम्स मोमेंट्स में आप रहेंगे, डिप्रेशन खत्म हो रहा है, इजी और कूल के एनर्जी, म्यूजिक का आनंद लेते हुए स्लोली स्लोली सफर फुल एंजॉय के साथ आप तय करने वाले हैं। टॉरस, आपने जो चोला पहना है, जिसे आप सैडनेस, इरिटेट हो जाना, एलोननेस वाली सिचुएशन, लेजीनेस वाली सिचुएशन से, अब आपका टाइम आ गया है बाहर निकलने के लिए, इनका एंड हो रहा है। किसी ऐसे पर्सन का आपकी लाइफ में इंटर होना जिससे आप अपने को बदलोगे, चेंजिंग आएंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, समय समय ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत। आपका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में, यू बोल सकते हैं लाइफ स्टाइल से लेकर आपके विचार, जहां आपको खुद फील होने वाला है कि किसी एक पर्सन ने आपको इतना बदल दिया। ये बदलाव एक डिमांड है समय की। देखिए, समय का पहिया ऐसा घूमेगा, कोई ना कोई हमारी लाइफ में माध्यम बनता है, जिसे बोल सकते हैं गोल्डन चांस, और हम कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं यदि हमने पीक पॉइंट पकड़ लिया तो। ऐसा आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। हाँ, ऐसा भी नहीं है किसी ने चाबी भर दी और आप चलने लगे, नहीं। आपकी सोल वही एक्सेप्ट करने वाली है जो आपके लिए सही है, उचित है, अनुचित नहीं। समझ रहे हैं? एस ऑफ कप्स का कार्ड, आपके दृष्टिकोण का सम्मान नहीं मिला, यह दर्द आपके अंदर बैठा हुआ है। मतभेदों के दर्द को ढोते रहना, आपकी प्रोग्रामिंग, आप अपनी प्रोग्रामिंग से पीड़ित हो, ठीक है, जो निगेटिविटी को ग्रो करता है। आप अपने आप से परेशान है। देखिए, ये द मून का कार्ड यही चीज बतलाता है। घर कर गई हैं आपको कुछ बातें ऐसी जिन
को आप लेकर बार 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 राउंड चलता रहता है और परेशान होती रहती हैं, हिट करती रहती हैं वो बातें। तो समय आ गया है द फॉर्चून का कार्ड, वो सारी चीजें अब दूर होंगी। केयरिंग रहने वाले हो हर चीज को लेकर, फाइनेंस अच्छी है, इन्वेस्ट सोच समझ के करें, इनकमिंग ज्यादा है और आउट गोइंग धुआंधार होगी, खर्चे भी थोड़े ज्यादा हैं, एक लिमिट में खर्चे करें। जॉब को लेकर आप संतुष्ट नहीं होंगे, प्रमोशन के लिए भागदौड़, जॉब स्विच भी कर सकते हैं आप। स्टूडेंट भी चिंताग्रस्त रहेंगे, आउट ऑफ फोकस। आप अपनी स्टडी टेबल पर एक फिट करी का पीस रखते हैं, जो माइंड आपका रनिंग कर रहा है ना वो एकाग्र होगा, शांत बैठेगा कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, वो डिस्टर्बेंस जो है ना वो खत्म होगा, एकाग्र होंगे। आपके कुछ विरोधी आपको परेशान भी कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चतुर बुद्धि से आसानी से मात भी दे पाएंगे। यदि आपने प्रॉपर्टी में निवेश करने का मन बनाया है तो वह आप आसानी से कर पाएंगे। किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद, देखिए किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बताता है, किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद से आपका रुका हुआ कार्य भी पूरा होगा। यदि आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है तो उसे भी आप काफी हद तक उतारने में सफल होंगे। आप दिल से लोगों का भला सोचोगे, लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ भी समझ सकते हैं, तो सतर्क रहें इन चीजों से। आप पहले से आगाह कर दिया है आपने, यदि किसी योजना से पहले योजना में पहले धन लगाया है तो अब उसका अच्छा वो योजना आपको लाभ भी देके जाने वाली है। देखिए अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। पार्टनरशिप में किया गया कार्य आपको प्रॉफिट भी दे सकता है और बेवजह ही लड़ाई झगड़े पनप सकते हैं। साल के मिड में है ना, वाणी और व्यवहार में मधुरता आप बनाए रखें, नए रिश्ते बनेंगे, नई सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। गुड टाइमिंग शो हो रहा है, गुड टाइम को दर्शाते हुए आप लाइफ के सभी टास्क कंप्लीट करेंगे। अंत में एक रेमेडी, आप स्ट्रीट डॉग को फूड देना शुरू करें, काफी हद तक आप परेशानी का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। न्यू पोस्ट के साथ फिर मिलते हैं, स्टे ब्लेस्ड स्टे पॉजिटिव।